शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के बाईपास से लक्कर अंबेडकर पाड़ा में आज वन विभाग की कार्रवाई के दौरान जमकर यहां पर हंगामा हुआ है। लोग यहां पर आक्रामक हो गए और JCB पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। दरअसल यहां पर वन विभाग की ज़मीन पर कई सालों से लोग झोपड़े बनाकर रह रहे हैं और आज वन विभाग की टीम यहां पर आज सुबह से ही कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। वन विभाग की तरफ से दिनेश बी देसले ने बताया है कि करीब 60 से 70 झोपड़ों पर कार्रवाई की गई है, जो नए झोपड़े बनाए गए थे। कुछ ऐसे भी झोपड़े थे जिनमें कोई रहता नहीं था, खाली पड़े हुए थे। मगर यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि 10 से 15 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कई लोगों के पास तो बिजली मीटर भी लगे हुए हैं और उसके बावजूद भी कार्रवाई की गई है, ऐसा लोगों का कहना है। वहीं वन विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वन विभाग की ज़मीन पर बने मकानों पर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग सवाल उठाने लगे और ऐसा भी कई फॉरेस्ट ज़मीन पर जो है इमारत और चाल बनाई गई है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ऐसा स्थानीय लोग अंबेडकर पाड़ा के लोग कहने लगे कि सिर्फ अंबेडकर पाड़ा में ही कार्रवाई जो है की जा रही है। मगर वहीं वन विभाग की तरफ से ये बताया गया है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, वन विभाग की ज़मीन पर बने सभी इमारत चाल झोपड़ों पर कार्रवाई की जाएगी जल्द ही। मगर आज कार्रवाई कर अंबेडकर पाड़ा में करीब 60 से 70 घरों को तोड़ा गया है। इस दौरान लोगों की भीड़ जो है वो आक्रामक हो गई, पत्थरबाजी करना शुरू कर दिए, JCB पर चढ़कर जो है यहाँ पर लोग हंगामा करना शुरू किए, जिसके बाद यहाँ पर हल्का सा बल प्रयोग किया गया, लोगों को हटाया गया, जिसके बाद कार्रवाई फिर शुरू की गई। कार्रवाई के बारे में वन विभाग की तरफ से दिनेश बी देसले ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुना दूं। पर कितने झोपड़ों पर कार्रवाई की गई? अभी मैंने 60 से 70 झोपड़े जो नए बने थे उनको हटा दिया मैंने। लोगों का ये भी कहना है कि आप लोगों की तरफ से कहा गया कि जिनके मीटर लगे हुए उन पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है, जो आप कुछ सुन रहे होंगे वो गलत है। जो अभी दिखा, सामने से दिख रहा है नया मकान है, वो हटा रहे हैं हम लोग। सर, अभी कार्रवाई के बाद यहाँ पर कुछ लोग आक्रामक भी हो गए थे, JCB पे पत्थर वगैरह भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग भागे थे, क्यों भागे थे पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। आप लोग से मेहरबानी, हम लोग अभी कहाँ जाएंगे बारिश पानी के टाइम पे? बारिश पानी में सब रोड पे आ गए, हम लोग क्या पहाड़ों में सोए? हाँ, सांप बिच्छू काट लेंगे तो कहाँ जाएंगे? रहने के लिए घरदार नहीं है हम लोग के पास, बेचने वाले बेच के चले गए, अभी हम लोग क्या करेंगे? बोलो, ये सब पब्लिक है, ये इतने लोगों को बेघर कर दिए ले, अभी इनके बाल बच्चे लोग सब किधर जाएंगे? एक एक बोलो,
ओ खाला एक मिनट एक मिनट एक मिनट आराम से बोलो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, आराम से खाला खाला एक मिनट एक मिनट एक मिनट आराम से बोलो। माँ नहीं है बच्चा मेरे पास, मैं अकेले रही थी, कहाँ जाऊंगी, नहीं बोलेंगे करके हम बोली सर हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बाप बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, बोले मेरी जबान है अभी क्यों उजा रहे हैं बस्ती को, हम कहाँ जाएंगे, पूरा सब हमारा तोड़ दिया ले छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, हम कहीं का भी नहीं रहा पूरा सब हमारा तोड़ दिया छोटे छोटे बच्चे लेके, तुमको नहीं देने का तो गवर्नमेंट ने टैक्स ठाकुरपाड़ा भी पुलिस में आता है, गाँव देवी पुलिस में आता है, वो भी दो लोग एक एक बोलो, एक एक लोग बोलो, एक एक लोग बोलो, अरे एक एक लोग बोलो तो बात समझ में आएगी, आपको कैसे हल्ला मत करो, एक एक लोग बोलो ना भाई, एक एक करके बोलो, अपनी अपनी बात एक एक करके रखो लो, बोलने का क्या मतलब है, जब ये फॉरेस्ट है ना इस पे टैक्स क्यों लगाए, टैक्स लगाए, मीटर लगाए, हर चीज लगाए, अभी ये सेम्बोसर्स के पास में रूम है, हमको ये क्या फॉरेस्ट के लिए ये क्या, अभी इनको बोले तो बोलते उनको नोटिस देंगे, उनको हमको बिना नोटिस के इधर पे अच्छा एक मिनट एक मिनट, इन लोग का कहना है कि जिसके घर में मीटर लगा हुआ है आगे क्यों नहीं चला, आगे का उसके ऊपर वजन इसके लिए सबसे पुराना था, मीटर नहीं लगेगा, टैक्स लगा हुआ है गवर्नमेंट का, ये ना आगे तीन रूम छोड़ा गया, एक मिनट मैं खाली बता दूं, तीन रूम छोड़ा गया क्यों छोड़े, एक मिनट जो टैक्स के ऊपर मीटर नहीं है कौन देता, मैं खाली आपने से पूछा कौन देता, वो टैक्स पोती देता कौन है, थाना का महानगर पालिका गवर्नमेंट की है ना, ये लोग भी गवर्नमेंट के, तो ये लोग तोड़े कैसे भी मेरा रूम, मेरे पास मीटर है, टैक्स है, सब कुछ है, मेरा घर तोड़ने का इनका अधिकार क्या है, मेरे को टैक्स पोती दिया है, इनको टैक्स लगाने का कैसे पैसा भरा, हम लोग मारूंगा पैसा लेके पावती भी ले लिए, मीटर नहीं आ रहा है, बोले बोले सड़ा कर टैक्स लगा हुआ है और मीटर का एप्लीकेशन सब डाल चुके, सब हो चुका है, फिर भी ये लोग मतलब है ना अपने तोड़ते जा रहे हैं, कभी नहीं देखिए सपना तो बावजूद भी अलग हो रहे और ऊपर चढ़ने से पहले मीटर नहीं तोड़ रहे और सबका तोड़ सबका हर बार नहीं देख रहे दो मिनट एक मारो मत रे,
गाड़ी हमला कर दी, गाड़ी वाला हमला करता।